हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आर केसरी लवर 2, सौतेली माँ और बेटी का खेल। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं दिखने में थोड़ा सांवला हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है। शरीर कसा हुआ है, मेरी उम्र 26 साल की है, मेरी पढ़ाई हो चुकी है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, 2 बहनें और हम 2 भाई हैं। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और मैं अभी कुंवारा हूँ। अपने छोटे भाई के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे पापा सरकारी कर्मचारी हैं। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब जो मेरी माँ है, उस मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ का नाम रज्जी है। उनकी उम्र 44 साल है। वो दिखने में एक नॉर्मल शादीशुदा आम औरत की तरह है। मैं कॉलेज के टाइम असार के स्ट्री लवर पर कहानियाँ पढ़ता था। उसमें माँ बेटी की कहानियाँ मुझे ज़्यादा पसंद आती थी। मैं वो सब कुछ ज़्यादा पढ़ने लगता था। इससे पहले मैंने अपनी माँ की नज़र से कभी नहीं देखा था, लेकिन माँ बेटी की कहानियों को पढ़ने के बाद मैं माँ के सोचने लगा और अपनी सौतेली माँ को एक ऐसी नज़र से देखने लगा। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद घर में ही रहने लगा था और जॉब करने लगा था। जॉब लग जाने के बाद मैं अपनी माँ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था। एक दिन काम से आकर मैं फ्रेश होकर हॉल में बैठा था, तभी माँ ने चाय ला कर दी। माँ ने मुझसे कहा, चाय पीकर मेरे साथ बाजार चल, कुछ सामान लेना है। मैंने कहा, ठीक है। मैं हॉल में बैठा था, माँ सामने के रूम में अपने कपड़े बदलने चली गई। उन्होंने पर्दा लगाकर कमरे की लाइट ऑन कर ली। माँ घर में ज़्यादातर सामान्य कपड़े ही पहने रहती थी। माँ ने पर्दा लगाया, लेकिन वो पूरी तरह लगा नहीं था। मैं सामने बैठकर उन्हें देख रहा था। ये बात उनको पता नहीं थी और अलमारी में से पहने के कपड़े देखने लगी। माँ ने एक चॉकलेट ड्रेस निकाली और पहनने लगी। अचानक वो घूम गई और उन्होंने देखा कि मैं उन्हें पर्दे में से देख रहा हूँ। उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और पर्दा अच्छे से फैला दिया। पर्दा सरकाते टाइम उन्होंने हाथ ऊपर करके पर्दा बंद किया था। कुछ देर बाद माँ बाहर आ गई और मुझे देख कर बोली, हो गया तेरा? मैंने कहा, हाँ। माँ उस ड्रेस में बढ़िया लग रही थी। मैं उन्हें बाइक पर बैठाकर बाजार ले गया। कुछ देर बाद मैं माँ को घर वापस ले आया। उस समय घर पर भाई और पापा सब आ चुके थे। माँ फिर से अपने काम में लग गई। मैं माँ को पटाने के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन मौसी का कॉल आया कि उनकी बेटी की अगले हफ्ते शादी है, सभी को आना है। पापा कुछ नहीं बोले। फिर पापा ने सबसे पूछा कि शादी में कौन कौन चल रहा है। चूंकि मेरा अभी नया नया काम लगा था, तो मैंने कह दिया कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। पापा ने माँ से पूछा कि तुम चलोगी? माँ ने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, मैं विशाल के साथ रुक जाती हूँ। बात फाइनल हो गई कि मैं और माँ घर रुकेंगे और बाकी सब लोग मौसी के घर शादी में जाएंगे। फिर उन सभी के जाने का दिन आ गया। दोस्तों, यही वो हफ्ता था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। अब एक हफ्ते के लिए मेरे पापा और मेरे दोनों भाई मौसी के यहाँ शादी अटेंड करने जाने वाले थे। उनकी गाड़ी सुबह की थी। मैं और माँ उन सभी को स्टेशन छोड़कर घर वापस आ गए। हमारी रोज की तरह दिनचर्या चली। फिर रात को खाना खाने के बाद माँ ने मेरा और खुद का बिस्तर हॉल में ही लगा दिया। हम दोनों रात को सो गए। उन दिनों बारिश का मौसम था। रात को करीब 1:30 बजे बारिश चालू हुई। हॉल में मेरे बिस्तर पर पानी गिरने लगा। बिस्तर पूरा भीग गया था, तो मेरी आँख खुल गई। मैंने बिस्तर साइड में किया और इस आहट से मेरी माँ भी उठ गई। माँ ने बोली कि अभी उस पर मत सो, तो मेरे पास लेट जाओ। मैंने कहा, ठीक है। मैं रात में ऐसे ही सोता हूँ, सिर्फ हाफ पैंट पहने रहता हूँ। मैं माँ के पास लेट गया। माँ मेरी तरफ पीट करके लेट गई। मैं माँ के साथ सोने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। हॉल में लाइट बंद थी। थोड़ी देर के बाद मेरी आँख लग गई। फिर कुछ देर बाद मेरी आँख खुली। फिर मैंने देखा कि मेरा बुल्ला तैनात था। मैं अपने उसको बुल्ला कहता हूँ, आप भ्रमित ना हो। तो माँ सोई हुई थी और मुझे गर्मी लग रही थी, क्योंकि थोड़ी बारिश के कारण लाइट चली गई थी। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो 2:30 बजे हुए थे और माँ गहरी नींद में सो रही थी। मैं चादर में ही मोबाइल खोलकर आवाज म्यूट करके वीडियो देखने लगा। मैं मोबाइल रखकर पहले जैसे सोने लगा, पर विचारों के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से माँ की आंख खुली, फिर उठकर खड़ी हुई। मैंने जल्दी से मोबाइल का फ्लैश ऑन किया तो माँ मुझे घूर रही थी। मुझे जगा हुआ देखकर माँ कहने लगी, ये तू क्या कर रहा था, पागल हो गया क्या? मैं तेरी माँ हूँ और तू मुझसे ही ये सब कर रहा है, इतना नीच है तू। मैं सॉरी माँ, गलती से हो गई। मैं उठकर खड़ा हो गया और माँ से बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ के सामने मैं हाथ जोड़ने लगा। फिर किसी तरह मैंने माँ को मना लिया। वो लेट गई और थोड़ी देर में गहरी नींद में सो गई। मैं दीवार के पास एक कोने में बैठकर सो गया। करीब 4:30 बजे माँ ने मुझे आवाज़ दी, इससे मेरी आँख खुल गई। उन्होंने मुझसे मोबाइल का फ्लैश चालू करके मांगा।
मैंने उन्हें दे दिया। अभी भी लाइट नहीं आई थी इसलिए अंधेरा था। माँ उठकर जाने लगी। मैंने कहा, आप कहाँ जा रही हो माँ? माँ, टॉयलेट। मैं फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे आवाज दी। विशाल, मेरी आँख खुली और मैंने उनकी तरफ देखा। माँ मुझसे बोली, ये ले अपना मोबाइल। मैंने मोबाइल ले लिया और टाइम देखा, उसमें 5 बज रहे थे। माँ ने मुझसे पूछा, माँ तू रात में क्या कर रहा था? मैं, कुछ नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ, तू एकदम नीच हो गया है। वो बिस्तर पर बैठ गई और मुझसे बोली, इधर आ मेरे पास। मैं उनके पास गया तो मुझे मेरी माँ फ्लैश लाइट की रोशनी में साफ दिख रही थी। उसके पूरे बाल खुले थे। मैं पास जाकर उन्हें देखने लगा मगर कुछ नहीं बोला। माँ, मैं एक बात बोलूँ? तुम किसी से कहना मत। मैं, बोलो माँ। माँ, कुछ नहीं, सो जा। मैं, बोलो ना माँ। वो कुछ नहीं बोली। मैं बस फ्लैश लाइट में उनको देखता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं समझ गया कि माँ को क्या कहना था। मैंने मोबाइल का फ्लैश चालू कर उसे दीवार से टिका दिया ताकि रूम में थोड़ा उजाला हो जाए। मैं समझ गया कि माँ क्या चाहती है। आंखों में देख रही थी, ये सब फ्लैश लाइट में हो रहा था। मैं माँ से बात कर रहा था लेकिन माँ मुझे जवाब नहीं दे रही थी, हालांकि वो मेरा कहना मानती जा रही थी। दोस्तों, ये उस वक्त इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, मेरी माँ ने अपनी सहमति से मेरी स्वीकार कर लिया था। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। सुबह मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, विशाल विशाल उठ, मुझे उठना है। मैंने आंखें खोल दी और हड़बड़ा कर जाग गया और उठ गया। माँ ने एक नजर देखा और मैंने माँ को देखा और वो भी। माँ दूसरे रूम में चली गई और कुछ। मैं, क्यों माँ? माँ, वो सब हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं जा रही हूँ। मैं पहनते हुए कहा, ठीक है। माँ चली गई। वो कुछ देर में नहा धोकर बाहर आ गई। माँ, जा नहा ले, बाथरूम में गर्म पानी रखा है। माँ रसोई घर में चली गई। हमारा रसोई घर और बाथरूम बगल बगल में ही था। मैं ब्रश करते हुए माँ से बात करने लगा। मैं माँ को देखते हुए बोला, माँ आप कुछ बात करने वाली थी? बाहर अभी भी बारिश चल रही थी। तो पहले नहा ले और अब तू मुझे माँ मत बोल, मेरा नाम लिया कर। मैं, क्यों माँ, गुस्सा हो क्या? माँ, गुस्सा नहीं, तुम पहले नहा लो, मैं तेरे लिए नाश्ता और चाय बना देती हूँ। नहाने घुस गया। मैंने बाथरूम में जाकर देखा कि माँ के रात के कपड़े वहाँ पड़े हुए थे। मैं नहाकर बाहर आ गया और कपड़े पहनकर हॉल में आ गया। माँ, आ गया, बैठ, मैं नाश्ता लाती हूँ। मेरी माँ दोनों के लिए चाय नाश्ता ले आई। हम दोनों ने नीचे फर्श पर बैठकर चाय नाश्ता करने लगे। माँ, ये लो कचौड़ी खाओ। मैं, माँ आप कुछ बात करने वाली थी? माँ, हाँ लेकिन मगर पहले आप मुझे माँ बोलना बंद करो। मैं, क्यों? और ये आप मुझे तुम ही की जगह आप क्यों कह रही हो? मेरी माँ, सुनो, रात को हमने देखो, फिर माँ और ध्यान से सुनो, रात को जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ, आपने कोई जबरदस्ती नहीं की। मुझे भी वो सब अच्छा लगा जो हम दोनों ने रात को किया। मैं, क्यों आप नाराज नहीं हो? मेरी माँ, नहीं, उन्होंने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा। ओहो यार, मैं तुमको काफी दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, कल रात को कुछ दस्तूर ऐसे ही हो गए, मगर मैं अब जरूरी दस्तूर पूरे कर देता हूँ। मैंने अपनी माँ को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज कर दिया। क्या तुम उसे शादी करोगी रज्जी? चुप बैठो आप, मुझे ये सब नहीं करना। जो हमारे बीच हुआ वो ऐसे ही हो गया, आप इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, ये हमारे बीच का राज रहेगा, समझे? मैं, हाँ जान ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और ये जो रात को हमने किया था ये हमारे बीच चलता रहेगा जान। मेरी माँ हंसी और बोली, हाँ मेरी जान, लेकिन जब घर में कोई नहीं रहेगा तो हम दोनों पति पत्नी बनकर रहेंगे, घर में सब रहेंगे तो आपको मुझे माँ कहना होगा और मैं आपको नाम से पुकारूंगी। बस ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको ये सब मंजूर हो तो आपके साथ रिलेशनशिप में रहूंगी, नहीं तो हम माँ बेटे बनकर रहेंगे और हमारा शारीरिक रिश्ता भी आगे नहीं होगा। आपको मंजूर है तो बोलो। एक बात और, आप मुझसे कभी भी जबरदस्ती नहीं करोगे। ये बोलकर माँ रसोई में चली गई। मैं थोड़ी देर बाद उनके पास आया तो देखा वो मुझे नजरअंदाज करके रसोई में काम करती रही। मैं, रज्जी मेरी तरफ देखो ना। रज्जी, हाँ बोलो। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उंगलियों में उंगली फंसाते हुए कहा, मुझे सब मंजूर है, सुना, आई लव यू जान। रज्जी मुस्कुराती हुई बोली, पक्का ना? मैं, तेरी कसम जान, एकदम पक्का। रज्जी, आई लव यू टू जान, लेकिन किसी को हमारे प्यार के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, प्यार परवाह नहीं चढ़ने देगी। मैं, तुम चिंता मत करो जान, हम ये रिश्ता अच्छे से निभाएंगे। अब हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आगे डालकर देखने लगे। मैं आगे बढ़ गया। मैं, क्या हुआ जान? मेरी माँ, रज्जी बोली, आपकी हाइट ज्यादा है, मुझे उचकना पड़ रहा है। मैं हंसने लगा। बाहर अभी भी बारिश चल रही थी। हम जिस रूम में थे वहाँ एक छोटा बेड था जिस पर सिर्फ एक आदमी सो सकता था। मैं उस पर बैठ गया और माँ ने कहा, लाइट ऑन कर लो। माँ ने लाइट ऑन की और मेरे पास आकर खड़ी हो गई।
मैंने देखा कि उनके चेहरे पर शर्म की लाली छाई थी। मेरी माँ रज्जी हंस दी और बैठ गई। अब वो बोली, क्या बोले आप? मुझे और रज्जी को ये भी याद नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। हम दोनों बस एक दूसरे में ही बिजी थे। कुछ इस तरह की थी ये मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी मेरे एक दोस्त ने लिखी है और मुझे ये कहानी बनाने के लिए दी है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो आपको क्या करना है वो आपको पता ही है। दोस्तों, आपके WhatsApp मैसेज मिल रहे हैं और मैं सभी को रिप्लाई देने की कोशिश भी करती हूँ। देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप मुझे मेल के साथ कहानी के नीचे कमेंट भी करें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको कोई कहानी बनवानी हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए मेल पर कहानी लिख के दे सकते हैं और मुझे पसंद आएगी तो मैं उसे जरूर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगी। चलती हूँ दोस्तों, बाय।